अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल लाहौर मेहंदी स्टूडियो दिस इज़ माई आयशा शावर उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पहले भी कुछ कुछ मैं अपने वीडियोस में जो है ना बता चुकी हूँ लेकिन आज टोटली जो है ना सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ तो जी कहीं से भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी अगर आप इस चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं इंजेक्शन मेहंदी सेट के बारे में इंजेक्शन के बारे में इंजेक्शन मेहंदी मिक्सिंग के बारे में तो ए टू जी आपने प्रॉपर स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है ना वीडियो देख लेनी है ठीक है ताकि आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की और बारीकियों की अच्छे से समझ लग जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन मिल सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक इंजेक्शन मेहंदी सेट में लाहौर मेहंदी स्टूडियो की तरफ से क्या क्या चीज़ें जाती हैं तो हमें एक इंजेक्शन मेहंदी सेट में जाता है अड़क ठीक है ये बेसिकली होता है चीनी पत्ती गुड़ का नेचुरल जो चीनी पत्ती का अड़क निकाला जाता है ना बिल्कुल केमिकल से पाक ये वो अड़क है ये हलाल है कुछ लोग कहते हैं कि इंजेक्शन मेहंदी जो है वो हलाल है इसको लगाने के बाद वजू हो सकता है नमाज हो, हो सकती है जी बिल्कुल इसको लगाने के बाद वजू भी हो जाता है और नमाज सब कुछ आप कर सकते हैं यह हलाल है इसमें कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी इंग्रीडियंट इसमें ऐड नहीं है जिसकी वजह से ये आ, मतलब हलाल ना हो ठीक है तो आपने बेफिक्र होकर जो है ये आप मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं मेहंदी ले सकते हैं इस तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं ठीक है तो ये जी अरग है इसको बनाने का तरीका घर पर बनाने का तरीका जो है वो मैंने प्रॉपर बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा तो जो आप खुद अरग बनाते हैं ना घर पर ये वही है आ, आपके घरों नानी दादी आ, पहले ज़माने में जो है ना ये बनाती थी बहुत पहले भी नहीं लेकिन घरों में ये अक्सर बनाया जाता था ठीक है और खुद मेहंदी बनाकर जो है ना ये वाली यूज़ की जाती थी तो कलर भी बहुत अच्छा आता था, था तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है अच्छा जी ये अर्ग की बात होगी इसके बाद जी इस सेट में दिया जाता है कलर फिक्सर जो कि होता है इस शीशे की बोतल में ठीक है इस शीशे की बोतल को सेट में जो है वो अच्छे से बबल शीट में रैप करके भेजा जाता है ताकि ये टूटे नहीं ये बिल्कुल सेफली आप तक पहुंचाया जाता है इसमें होता है कलर फिक्सर ठीक है अभी मिक्सिंग करके दिखाऊंगी ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कलर कलर फिक्सर जो है कब और कितनी क्वान्टिटी में ऐड करना है उसके बाद ये छोटी सी क्यूट सी बॉटल में हमारे पास जाता है मेहंदी पाउडर ओपन करके दिखा देती हूँ ये मेहंदी पाउडर होता है ठीक है आगे चल के मिक्सिंग में मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी पाउडर की भी कि, कितनी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे तो जी ये मेहंदी पाउडर होता है इसके बाद इस सेट में हमें जाता है एक प्यारा सा क्यूट सा एप्लीकेटर इंजेक्शन ठीक है ये देखें ये मेरे यूज़ में अगर आपको लार्ज वाला एप्लीकेटर चाहिए तो आपने बताना है कि हमें लार्ज वाला चाहिए आपको लार्ज वाला बना दिया जाएगा और अगर स्मॉल जो सेट में होता है तो वो आपको कहे बगैर ही ये एप्लीकेटर स्मॉल वाला दिया जाएगा ठीक है इस तरह से ठीक है अच्छा अब बात कर लेते हैं कौन की अगर छोटी चो, कॉर्स है तो वो आपको दो दी जाती हैं अगर बड़ी कौन है तो वो आपको एक दी जाती है इस सेट में लाहौर मेहंदी स्टूडियो की तरफ से तो जी ये सेट की बात होती है कंप्लीट अब बात करते हैं इस सेट में कितने हाथ और कितनी देर तक ये सेट जो है वो यूज़ हो सकता है लूज़ मटीरियल आपको इसी भेजा जाता है कि आप जब चाहें इसकी मिक्सिंग करें और इसको अप्लाई कर सकें ठीक है अब ये देखें ये बनी हुई मेहंदी है ये लिक्विड तैयार है बिल्कुल इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ये पूरी बोतल हमने जो है तैयार की है ठीक है आ, अब क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी कस्टमर्स होते हैं तो हमारी ये पूरी बोतल जो है वो ख़त्म हो जाती है एक दिन में दो दिन में जो है वो मेहंदी लग लग के जो है वो ख़त्म हो जाती है ठीक है बट जैसे नॉर्मली घर पर जो है लड़कियों ने यूज़ करनी होती है प्रैक्टिस करनी होती है या कस्टमर ज़ाहिर है स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं होते तो इस सेट को आपने पूरा नहीं मिक्स कर लेना ठीक है इसकी मिक्सिंग पूरी नहीं करनी आप अगर जैसे आपके पास ये वाली कोन है छोटी वाली ठीक है आप इसको थ्री पार्ट्स में भी कर सकते हैं मिक्सिंग आप इसको हाफ हाफ भी कर सकते हैं मैंने हाफ कोन की भी मिक्सिंग बताई हुई है और फुल कोन की भी मिक्सिंग बताई हुई है ठीक है और अगर जैसे ये ये लार्ज कॉर्न है इसको भी आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके तो बना सकती हैं ठीक है इस इस पूरे सेट में तकरीबन आपके अगर फुल की बात की जाए तो फोर्टी टू सिक्सटी हैंड्स जो हैं वो इजीली लग जाएंगे और अगर आप हाफ हाफ करके बनाते हैं तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टेन इस तरह से हैंड्स आपके इजीली लग जाएंगे ठीक है तो ये बात हो गई है कि कितने ज़्यादा हैंड्स हमें इस एक सेट में ही जो हैं वो लगाने का मौका मिल सकता है सेट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दिया है अब बात करते हैं इसकी मिक्सिंग की ठीक है मिक्सिंग मैं आपके सामने इसकी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अगेन समझ लग जाए ठीक है मिक्सिंग के लिए आपको चाहिए कोई भी गंदा सा कप मग ठीक है जो खुला हो और बिल्कुल इक्वल गोल हो ठीक है ताकि हमारी मिक्सिंग साइड से भी इजीली हो सके इसके अलावा कोई भी आपने जैसे होता है ना कोई बाउल ले लिया इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए मिक्सिंग प्रॉपर होगी आपका कलर भी अच्छा आएगा आपको एप्लीकेशन में भी बहुत आसानी होगी ठीक है तो ये बात आपने याद रखनी है कि चीज़ जिसमें भी मिक्स करे ना वो इस टाइप की हो ठीक है और इसके साथ मैंने ना ये मार्कर होता है ना वो ले लिया ठीक है ये मैं इसी से मिक्सिंग करती हूँ इसीलिए इतना गंदा सा हुआ है तो आ, आपने परेशान नहीं होना ठीक है इस तरह से कोई चीज़ ले लें ले, कोई बहुत पतली चीज़ नहीं लेनी कि मिक्सिंग करने में मुश्किल हो इस तरह से ले लें ठीक है तो इससे मिक्सिंग कर लेनी है अब लास्ट में आ जाइए स्टेनर ठीक है इस तरह से लें ताकि जब हम बोतल में डालें तो इधर उधर गिरे नहीं ठीक है ये स्ट्रेनर ले, ले लेनी है मेहंदी बनाने के बाद स्टेन ज़रूर करनी है स्टेन का मतलब होता है छानना ठीक है इस चाय पोनी में से ज़रूर आपने मेहंदी को छान लेना है स्टेन कर लेना तो उम्मीद है जी यहाँ तक आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी तो अब चलें जी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं इस कौन से मिक्सिंग कर लेती हूँ ठीक है मैंने आपको इस कौन से भी और इस कौन से भी मिक्सिंग करने का तरीका बताया हुआ है ठीक है तो आज मैं इसी कौन से अगेन मिक्सिंग कर लेती हूँ फुल कौन की मिक्सिंग कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा पीछे ले जाकर कट कर लेती हूँ मैं ये देखें ठीक है जी कट कर ली अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी अच्छे तरीके से पूरी मेहंदी को ठीक है आपके सामने सारी मिक्सिंग होगी तो आपने परेशान नहीं होना कोई भी चीज़ कोई भी बात समझ ना आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करूँगी ठीक है इसी के साथ साथ अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करें और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आईडी डी यहाँ पर मेंशन है स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी तो जी अपना थोड़ा सा प्यार दिखाएँ मुझे सपोर्ट करें हर जगह पर फॉलो करके ठीक है तो ये देखें जी मैंने मेहंदी जो है वो इसमें डाल लिया ठीक है ये देखें अब मैं इसमें ऐड करूँगी अरक ठीक है ये जो अरक आपको सेट में मिलता है ये अरक है ठीक है ये मैं अरक इसमें ऐड कर लेती हूँ इसको मैं ओपन कर लूँगी और अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमसे मेहंदी बहुत पतली हो जाती है पतली क्यों हो जाती है आप लोग लापरवाही करते हैं मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अरक को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है एकदम से आप इतना ज़्यादा अरक ऐड कर देते हैं कि मेहंदी पतली हो जाती है ठीक है तो अब आपने देख लेना है मैं कितना कितना करके ऐड कर रही हूँ ठीक है ये देखें अभी सिर्फ मैं इतना सा अर्क ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसकी मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से करनी है प्रॉपर मिक्सिंग होगी कलर भी बहुत अच्छा आएगा एप्लीकेशन में भी बहुत आसानी होगी ज़्यादा आपको जो है ना खपना नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये देखें इसको थोड़ा सा अरक डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए ठीक है तो अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ठीक है ये देखें मैंने आपको क्यों कहा था ताकि हम साइड से देखें साइड से अच्छे से लगा लगा के मिक्सिंग करनी है ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो सिर्फ सेंटर से ही मिक्सिंग की बात नहीं होती सारा इसको ऐसे करके तो फिर मिक्सिंग अच्छे तरीके से होती है तो ये मिक्स कर लेंगे ठीक है अब ये मिक्स हो गई है तो इसमें मैं थोड़ा सा अरक और ऐड करूँगी क्योंकि ये देखें अभी सिर्फ हमने इसके लम्स ख़त्म किए हैं अभी हमने इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं की तो ये देखें आपके सामने ही थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डालूंगी दोबारा से ये देखें ठीक है जी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा अरग ऐड करते जाएं मिक्सिंग करते जाएं और कंसिस्टेंसी का आपको आइडिया होता जाएगा फिर जो कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट लगेगी आप वहीं पर रुक जाएं और फिर इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जी तो यहाँ पर जो है अरग डाल कर हमने कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक ठीक कर लिया सेट कर लिया अब हम इसमें ऐड करेंगे मेहंदी पाउडर यहाँ पर एक कोन की मिक्सिंग हो रही है तो एक कोन की मिक्सिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि कितना मेहंदी पाउडर जाएगा ठीक है ये देखें ये एक मैंने इस तरह से डाली है ठीक है और ये थोड़ा सा और ठीक है इस तरह से भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए ठीक है तो अब इसको जब मेहंदी पाउडर हम डाल लेंगे तो इसकी मिक्सिंग में हमने पंद्रह मिनट लगाने हैं ठीक है अब आपने गौर से जो है ना एक आवाज़ सुननी है ठीक है मैं आपको सुनाती हूँ मिक्स करते हुए देखें ये हार्श सी आवाज़ आपको फ़ील हो रही होगी ठीक है जब ये ख़त्म हो जाएगी ना और आपकी मिक्सिंग स्मूथ हो जाएगी लाइक आप जब मिक्स करेंगे वो आपको फ़ील होगा कि बहुत स्मूथली मिक्स हो रही है तो समझें कि मेहंदी पाउडर बीच में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ठीक है तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फिर आपको तो मेहंदी पाउडर डाल के मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है ठीक है कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए अगर आपको यहाँ से कुछ फील हो रहा है तो ये इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है ठीक है ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गारी इतनी गारी नहीं रखनी कि नीडल से निकले ही ना और इतनी पतली नहीं रखनी कि बस निकलती ही जाए तो आपने पर, आ, कंसिस्टेंसी जो है ना उसका ख्याल रखना है वो ख़्याल ऐसे रखना है कि अरक को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है मेहंदी पाउडर डालने के बाद अगर कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो मेहंदी पाउडर के बाद आप अरक ऐड अड़ कर सकते हैं लेकिन फ़िक्सर डालने के बाद आपने कुछ भी ऐड नहीं करना नहीं तो कलर में मसला आएगा ठीक है तो अब मैं इसमें फ़िक्सर ऐड कर देती हूँ पहले मैं इसको बंद कर लूँ अड़क को ठीक है ये देख लें टोटल मेरे पास अड़क कितना था और अब कितना रह गया ठीक है ये आप देख लें चलो जी अब इसमें फ़िक्सर ऐड कर लेती हूँ मैं फिक्सर आपको इस शीशे की बोतल में जाएगा ठीक है यही वाले आपने कैप ऐड करने हैं ये देखें मैं पूरी बोतल में से ऐड कर लेती हूँ एक कॉन में थ्री कैप्स ठीक है ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक कॉन में थ्री ही जाएँ अब ये है कि जब भी आपको सामान आए आपका तो आपने हर बार पूछना है कि फ़िक्सर कितना जाएगा क्योंकि किसी टाइम फिक्सर हार्ड होता है किसी टाइम लाइट होता है ठीक है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना है पूछना ज़रूर है कंफर्म ज़रूर कर लेना है ठीक है तो मैं इसमें थ्री कैप्स ऐड कर लेती हूँ एहतियात से ऐड करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी नहीं तो आपके हाथ पे ये लग सकता है ठीक है और इसका स्टेन इतना ज़्यादा डार्क होता ये देखें मेरे हाथ पे भी लग गया कि छः सात दिन तक फिर जाता नहीं है जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा लाइट रहे ठीक है तो अब मैं इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेती हूँ फिक्सर डालने के बाद फिक्सर डालने के बाद बस दो से तीन मिनट आपने मिक्सिंग करनी है ताकि अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए वो कोई भी चीज़ अलग अलग ना नजर आए जी तो अरक की मिक्सिंग मेहंदी की मिक्सिंग अच्छे से हो गई अब मैं इसको एक एम्पटी बॉटल लूँगी साफ़ सुथरी से और उसमें इसको स्टेन कर लूँगी ठीक है ये देखें ये बॉटल मैंने लिया इसमें स्टेनर मैंने लगाया और इसको अच्छे से स्टेन कर लूँगी सारी मेहंदी को इसमें डाल कर तो ये स्टेन हो जाएगी ठीक है जी एहतियात से सारे काम करने हैं आपने जल्दबाजी नहीं करनी जल्दबाजी करेंगे तो मेहंदी अच्छी नहीं बनेगी लें जी मेहंदी स्टेन है मैंने लाइट सा डोट लगा लिया कलर चेक करने के लिए ये भी आपको दिखाऊंगी अभी रिमूव करके और इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ ये नहीं एक कोन में हमारी ये हाफ बोतल रेडी है इसको बंद कर लेते हैं और जी अब मिक्सिंग का प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा सेट की डिटेल्स भी आपको दे दी हैं और कितने हैंड्स पे लग सकता है ये भी डिटेल्स दे दी हैं ठीक है जी नेक्स्ट वीडियो में आपकी आपको मैं जो है ना एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से बहुत अच्छी सी होती है वैसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं लेकिन एक बार फिर डिटेल में मैं आपके लिए जो है वीडियो बना दूंगी इसी मेहंदी के साथ ठीक है तो आपने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है अपना बहुत सारा ख्याल रखें उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई होगी मुझे दुआओं में याद रखें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़